आज बिलियन के लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे कि विलेयता क्या है। वैसे विलेयता का डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, अब वो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो पुनः हम विलेयता को एक बार डिफाइन कर रहे हैं। यदि कोई संतृप्त विलयन हो, संतृप्त विलयन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसका भरा हुआ हो वो संतृप्त कहलाता है, जिसमें हम किसी दूसरे कण को पुनः विलय नहीं कर सकते, घोल नहीं सकते। तो किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन की विलयता कहते हैं, या 100 ग्राम या 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा को उसकी विलयता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन हैं? कारक में मुख्यतः कारक पहला है प्रकृति, विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक है इस पे लगने वाला ताप। वह तीसरा मुख्य कारक है उस फैक्टर पे या विलयन पे लगने वाला ताप। अब हम प्रकृति को अगर समझें तो देखिए, विलेय और विलायक को दो भागों में बांटा गया है, ऐसे करके रो से। विलेय की भी दो प्रकार है, एक ध्रुवीय विलेय और दूसरा अध्रुवीय विलेय। ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलेय, इनके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है। दूसरा घटक क्या है विलेय का, विलयन का? विलायक। दूसरा घटक है विलायक, इसके भी दो भाग हैं, एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। अब एक चीज कॉमन देखिएगा, सदैव ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही होते हैं। मैच करा दिए मतलब कि जो ध्रुवीय विलेय हैं वे सदैव ध्रुवीय विलायक में ही होते हैं और अध्रुवीय विलेय केवल अध्रुवीय विलायक में होते हैं। लेकिन अगर हम जल को देखें, H2O जल, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब विश्व विलायक है। विश्व विलायक का तात्पर्य यह है कि जल दुनिया में उपस्थित अधिकांश पदार्थों को अपने आप में घोलने का सामर्थ्य रखता है और इसका कारण है इसका उच्च परावैद्यता। उच्च परावैद्यता जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़े हुए हो। तो ये जो जल है यह विश्व विलायक है क्योंकि यह दुनिया के अधिकांश घटकों को अपने में घोलने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन ये जो जल है ये ध्रुवीय विलायक है। ये कैसा है? ध्रुवीय विलायक है। और हमने क्या कहा कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। लेकिन चूंकि जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए यह कुछ अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों अध्रुवीय प्रकृति के हैं फिर भी ध्रुवीय में घुल रहे हैं। यानी कि यहां इसे क्लासिफाई कर दिए, ये हो गए कैसे ध्रुवीय, ये हो गए ध्रुवीय, ये सॉरी अध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है लेकिन ध्रुवीय विलायक में घुल रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रकृति अलग है, ये अध्रुवीय है ये ध्रुवीय है, हमने कहा कि केवल ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलते। उच्च परावैद्यता के कारण जो जल है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा को यह अपने आप में घोल के रखता है। इसका प्रमाण आपके पास है। आप जानते हो कि जो जलीय जंतु है जैसे कि मछली है, पैलेमन है, प्रान है, ये सब जल में उपस्थित प्राणवायु ऑक्सीजन को ही ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब जल में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा घुली हुई होती है। लेकिन एक चीज जानिएगा, जल में ये सब बहुत ही कम मात्रा में होते हैं,
थीन का मात्रा अल्प होता है। इस सूची को देखिए, विलेय में ध्रुवीय विलेय केवल ध्रुवीय विलायक में घुलता है और ध्रुवीय विलेय केवल अध्रुवीय विलायक में घुलता है। जैसे ध्रुवी का एग्जांपल हमने लिया तो NaCl ध्रुवीय विलेय है, ये ध्रुवीय विलायक H2O में आराम से घुल जाता है। लेकिन यही NaCl जो ध्रुवीय विलेय है, इसे हम N हेक्सेन में डाल दें तो यह इसमें नहीं घुलेगा। NaCl जल में घुल जाएगा, लेकिन इसे N हेक्सेन, N ब्यूटेन या केरोसिन आयन में डाल दें तो यह उसमें नहीं घुलेगा, क्योंकि यह ध्रुवीय है, ध्रुवीय विलेय है, N हेक्सेन ध्रुवीय विलायक है। सिमिलर यदि हम बेंजीन लें C6H6, ये अध्रुवीय है, ये अध्रुवीय विलेय है, इसे अगर आप जल में डालोगे तो यह नहीं घुलेगा, क्रास मतलब नहीं घुलेगा। लेकिन यदि इस C6H6 को CCl4 में डाल दें तो यह इसमें घुल जाएगा। क्योंकि C6H6 अध्रुवीय विलेय है और कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय विलायक है, तो सदैव अध्रुवीय विलायक सीधा सीधा कर सकते, प्रकृति हो गई। अब हम देखेंगे ताप का प्रभाव। क्या होगा यदि हम ताप का बढ़ाएंगे? तो यहां पे देखिए, हमने अवस्था के आधार पर विलेय को 9 भागों में बांटा गया है। एक जिसमें ठोस को घोलते हैं, ठोस में द्रव को घोलते हैं, ठोस में गैस को घोलते हैं। सेकंड कंडीशन, जब द्रव विलायक रूप में होता है तो द्रव में ठोस को घोलते हैं, द्रव में द्रव को घोलते हैं, द्रव में गैस को घोलते हैं। ठीक ऐसे ही जब वो विलयन गैसेस स्टेट में होता है, तब गैस में ठोस को, गैस में द्रव को और गैस में गैस को घोला गया होता है। तो यदि हम ताप की बात करें, ऐसे विलयन जिसमें विलेय ठोस हो, विलेय कैसा हो, विलेय की अवस्था ठोस हो, वह विलायक, ये जो विलायक है ये द्रव अवस्था में हो, तो ताप का क्या प्रभाव होगा? यदि ये विलेय, सेकंड कंडीशन में यदि यह विलेय गैस हो, वह विलायक द्रव हो, तो इस पे ताप का क्या प्रभाव होगा हम यहां समझेंगे। तो हमारा एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब हम घर पे चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें अगर हम चाय पत्ती को हटा दें तो क्या कंपोजिशन मिलेगा? चीनी लिए और पानी लिए, पानी में चीनी को डाल के जब हीट करते हैं तो उसमें चीनी के जो डिजॉल्विंग प्रोसेस है, घुलने की प्रक्रिया है, वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। यदि चीनी को आप वैसे नॉर्मली प्रयोग करना चाह रहे हो, घुलने का प्रमाण देखना चाह रहे हो, तो आप ठंडे पानी में चीनी को डाल दीजिए और चीनी का घुलने का टाइम नोट करिए और एक दूसरे कप को हीट करते हुए चीनी को उस कप में पानी में डालिए और उसको हीट करिए, उस टाइम चीनी की विलेयता को नोट करिए, आपको दोनों टाइम में अंतर मिलेगा। जब आप सॉल्यूशन को गर्म करोगे चीनी डाल के, तो चीनी का जो घुलने की प्रक्रिया है, डिजॉल्विंग नेचर है, वो फास्ट हो जाएगी, तेजी से घुलेगा, और ठंडे ताप में यानी कि ताप के अभाव में घुलने की जो प्रक्रिया है वो कम होगी। तो यहां देखिए, यदि हम ताप का प्रभाव बढ़ाएं, ताप का प्रभाव, तो जैसे ही यहां पर ताप बढ़ाएंगे, ऐसे हीट दे रहे हैं, विलेय ठोस है, इसको द्रव में घोला गया है, विलेय ठोस है, इसे द्रव में घोला गया है और इस निकाय को गर्म कर रहे हैं। तो जो गर्म करेंगे तो आप देखते हो, गर्म करने पर द्रव के जो अणु है वो मूव करते हैं फास्ट, तेजी से गति करने लगते हैं, और तेजी से गति करने पर क्या होता है, अणुओं के बीच में टक्कर बढ़ जाता है, और जब अणुओं के बीच का टक्कर बढ़ता है तो चीनी के बड़े कण जल्दी जल्दी छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं और वो छोटे टुकड़े माइनर कण में टूटते हैं और फिर ऐसे उनका जो डिजॉल्विंग नेचर है वो बढ़ जाता है। मतलब ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। क्या हो गया? ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। इधर आइए, यदि गैस द्रव में घुल रहा हो, वहां पे ताप देंगे तो क्या होगा? तो अगर यहां पे हम ऐसे ले लें
पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को लें या पानी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को लें तो उसको हीट देंगे, इसको हीट देंगे, इस सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा ये जानिए। इसका हम एक एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक ठोस ठोस व गैस का समांगी मिश्रण आपके घर में मौजूद है, वो है गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा। कैसे? जब आटे में पानी डाल के गूंथ के छोड़ देते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है और वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किण्वन प्रोसेस से उसमें उपस्थित तो शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है और पुनः ग्लूकोज को तोड़कर जाइमेस एंजाइम की सहायता से एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देता है। अब जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वह उस गुथे हुए आटे के पोर में, छोटे छोटे पोर में बैठा हुआ होता है और जब उसे हीट देते हैं यानी कि रोटी को जब तवे पे डालते हैं तो वेपर के साथ साथ, चूंकि पानी डाले ही है उसमें गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, तो वेपर के साथ साथ यानी कि जल का जो वाष्प है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है जिससे रोटी फूल जाता है। मतलब सीधे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ भी दें तब भी आप जान रहे हो कि आटे में पानी डाल के गूंथा गया है और जब उसको रोटी के रूप में पकाते हैं तो पानी वेपर के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि जो गैस है वो पहले घुला हुआ था अब घुले हुए कंडीशन से बाहर निकल गया अर्थात विलेयता करते। तो जब गैस द्रव में घुला होता है इसको ताप देते हैं तो विलेयता घटती है। ताप का प्रभाव हो गया, ठोस यदि द्रव में घुल रहे हो ताप देंगे तो विलेयता बढ़ेगी, यदि गैस द्रव में घुला हुआ हो ताप देंगे तो विलेयता घट जाएगी, क्योंकि गैसों का जो डिजॉल्विंग नेचर है वो गैस सिस्टम में डिजॉल्विंग नेचर वो घट जाएगा क्योंकि गैसें ताप को पाकर ज्यादा मोशन में आ जाएंगी, उनके अणुओं की गति बढ़ जाएगी और वो घुलने के बजाय विलयन से निकलना पसंद करेंगे। इसलिए गैसीय सिस्टम में ताप देने पर विलेयता घटती है और ठोस जब द्रव में घुला हुआ हो या घुल रहा हो ऐसे में ताप देने में विलेयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब वो ताप देते हैं तो क्रिस्टल जो है, ठोस के क्रिस्टल हैं, जल के अणु हैं, उनके बीच में गति का टक्कर होता है और टक्कर से बड़े क्रिस्टल छोटे क्रिस्टल में, छोटे क्रिस्टल और छोटे क्रिस्टल में टूटते हैं, इस प्रकार से विलेयता बढ़ती जाती है। आगे हम दाब प्रभाव पढ़ेंगे, तो दाब प्रभाव हम पढ़ेंगे गैसों का, ये तो ठोसों का दाब प्रभाव और गैसों का दाब प्रभाव हो गया। अब हम पढ़ेंगे गैसों पे दाब का प्रभाव और ठोसों पे दाब का प्रभाव, तो दोनों को हम किस प्रकार से समझें। यहां एक पात्र है, इसमें ये विलायक का सरफेस है और प्रारंभ में चीनी डाले, अभी घुल रहा है, ऐसे क्रिस्टल में बाकी चीनी पड़ा हुआ है, इस पे अगर हम दाब डालें तो आप जान रहे हो कि ठोस असंपीड्य होते हैं, द्रव भी लगभग असंपीड्य होते हैं, इन्हें बहुत कम दबाया जा सकता है, तो ऐसे में दाब डालेंगे तो ये जल का जो वॉल्यूम है ये बहुत ही कम, इनिशियली नगण्य समझ लीजिए, शून्य समझ लीजिए, यानी कि ये दबे रहेंगे, इनका इस पे जो प्रेशर लगने वाला है ये लगभग जीरो के बराबर होगा क्योंकि लगाया गया प्रेशर इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। प्रेशर तो लग रहा है लेकिन प्रेशर के लगने से वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रेशर वैल्यू को प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगा। ऐसे में दाब डालने पर यदि द्रव में ठोस घुल रहे हो तो दाब का प्रभाव उस पर निरोधक होता है। अब यहां हम गैसों को देखेंगे, डायग्रामेटिकली ये समझेंगे, इजिली है, एक पात्र है ऐसे, इस पात्र में यहां तक विलयन का विलायक का सरफेस है और माना इसमें गैसों के कुछ अणु ऑलरेडी पहले से घुले हुए हैं और बाकी के जो गैसों के कण हैं वो ऐसे इस पात्र के ऊपरी भाग में उपस्थित हैं क्योंकि ये अल्प विलेय हैं, इसलिए कुछ ही कण इसमें घुले हैं, बाकी कण कहाँ हैं? इसके सरफेस के ऊपर। अब अगर हम इस पे दाब बढ़ाएं, दाब आरोपित करें, क्या होगा?
हमने पढ़ा है गैसों के अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये जो खाली स्थान है ये बहुत ही अधिक होता है, इसलिए उन्हें आसानी से ज्यादा हद तक दबाया जा सकता है। एक अगला डायग्राम रिप्रेजेंट किए जिसमें हम प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं कि कैसे दबाया गया। अब देखिए चूंकि हम गैसों को अधिक दबा सकते हैं, जैसे कि बैलून में गैस भरा हो, सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने साइकिल के पहिए में हवा भरते हो, जब हवा कम होती है तो टायर को हम अधिक दबा पाते हैं, जैसे जैसे उसमें हवा की मात्रा बढ़ाते जाते हैं कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है अर्थात कणों की संख्या बढ़ती है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जब हम साइकिल का वॉल्यूम अधिक हो जाता है तो क्या होता है, साइकिल का टायर टाइट हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे हम पिस्टन को दबा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसमें ये कण जो है वो उनका स्थान कवर कर रहे हैं और इन अणुओं की गति बढ़ती जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ, पिस्टन को हम और दबा दिए और इतना अधिक दबा दिए कि बिलायन का लेयर और पिस्टन का जो लेयर है वो एकदम एक दूसरे के ऐसे चिपक गया, यानी कि बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ खाली स्थान नहीं है कि गैस का कोई भी कण इस फॉर्म में यहाँ पे उपस्थित हो। तो होता क्या है, यहाँ पे जो गैस आपको दिख रहा है ये सभी गैस के कण जल के या विलायक के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे में जो निकाय बनता है उसे विलयन कहते हैं। अब यहाँ इफेक्ट आप देख रहे हो कि जैसे जैसे दाब डाल रहे हैं वैसे वैसे बिलियन की मोलों की संख्या और पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की जो मात्रा है ये बढ़ती जा रही है। जितना अधिक दाब डालेंगे उतना अधिक गैसों की मात्रा द्रव में घुलेगी, तो सीधे सीधे ये जो दाब है वो गैसों की मात्रा के प्रोपोर्शनल होता है। यदि यह मात्रा मोल प्रभाज में दिया गया हो, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गैस जो बिलियन में घुली हुई गैसें हैं इसकी मात्रा x है मोल प्रभाज में दिया गया हो, तो क्या होगा, ये पेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बिलियन में घुले हुए गैसों के मोल अंश के तो यहाँ पे डिफिनेशन, क्योंकि यह प्रयोग परीक्षण सबसे पहले हेनरी ने दिया था, इसलिए हेनरी का नियम आया इस प्रयोग को देखते हुए कि हेनरी का नियम क्या है कि किसी बिलियन में घुलनशील गैसों का मोल अंश इकाई क्या है, इकाई है मोल अंश, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिए मोल अंश। किसी बिलियन में घुलनशील गैस का मोल अंश उस पे लगने वाले दाब के प्रोपोर्शनल होता है, ये हेनरी का नियम है। आगे आप जान रहे हो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट हेनरी के नाम से है, कांस्टेंट है KH, यानी कि हेनरी कांस्टेंट इनटू काई, ये हेनरी का नियम है और उनके द्वारा दिया गया एक सूत्र है, प्रेशर बिलियन में घुलनशील गैसों के मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यह हेनरी का नियम है। इसके कारण यदि किसी गैस पे जितना अधिक दाब डालेंगे उसकी विलयता जल में उतनी ही अधिक घुलती जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए, हेनरी लॉ हो गया, हेनरी लॉ आप नोट कर लेंगे, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, जहां काई विलय का मोल अंश है, KH हेनरी कांस्टेंट है। आगे है राउल्ट का नियम, ये जो राउल्ट का नियम है ये हेनरी के समकक्ष ही है, हेनरी नियम के जैसे ही है, हेनरी का एक तरह से अपना हेनरी का एक विशेष स्थिति है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए यहां पे हम पढ़े कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है काई, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। यदि दो गैसें हों या जो विलयन बन रहा है उसमें दोनों द्रव हों, अब हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे, द्रव का द्रव में घुलनशीलता और उन दोनों द्रवों को ताप दिया गया गैसीय स्थिति में बदल गए, तो अगर दोनों ये ए हो गया और एक बी हो गया, ये दोनों गैसीय स्थिति में हैं, जिसमें से ए कम है यानी कि ए विलेय है, ए क्या है, ए सॉल्वेंट है, स्टेट गैसेस है, तो ए जी, बी विलायक हो तो बी क्या हो गया, बी
सॉरी ए सॉल्यूट सॉल्यूट बोलेंगे विलेय को और बी सॉल्वेंट है ये भी गैसेस है। तो हम जान रहे हैं कि जितना प्रेशर देंगे जिस घटक पे जितना अधिक प्रेशर देंगे उसकी घुलनशीलता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे हम दो घटक लिए घटक एक ए है घटक दो बी है ठीक। अब यहाँ पे जो घटक एक है इसका इसकी मात्रा घटक एक यहां लिख रहे हैं घटक एक की मात्रा घटक एक की मात्रा है काई वर्ग। घटक एक की मात्रा मिल गया हमें क्या माने काई वर्ग है और इसका दाब घटक एक का आंशिक दाब या दाब हो गया पी वर्ग। घटक एक का मात्रा काई वर्ग घटक एक द्वारा आरोपित दाब पी वर्ग ठीक। ऐसे ही घटक दो अगर लें तो घटक दो की मात्रा क्या होगा दो की मात्रा होगा काई टू और घटक दो का लगने वाला जो दाब होगा उसी का लिखेंगे पी टू। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो दाब है ये दाब हेनरी के नियम का अगर हम यहां पर पालन करते हैं तो दाब जितना अधिक गैसों पे दाब आरोपित करेंगे घुलनशीलता भी उतनी अधिक बढ़ती जाएगी तो पी वन प्रोपोर्शनल टू काई वन हो जाएगा। इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कहेंगे। तो राउल्ट के नियम में दूसरा कांस्टेंट आता है ये इक्वल टू होता है पी वन इक्वल टू पी नॉट वन काई वन। यहां जो पी नॉट वन है ये शुद्ध घटक का वाष्प दाब है आगे देखिए सिमिलर ऐसे ही जब घटक दो का दाब बढ़ाएंगे तो घटक दो की विलेयता बढ़ती जाएगी। यहां से पुनः प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हो जाएगा पी टू इक्वल टू पी नॉट टू काई टू। पी वन पी नॉट वन शुद्ध घटक का वाष्प दाब तो पी नॉट टू क्या होगा ये भी घटक दो का ये घटक एक का है घटक पहले घटक का या शुद्ध एक घटक का वाष्प दाब ये क्या होगा शुद्ध घटक दूसरे का वाष्प दाब घटक एक और घटक दो का वाष्प दाब। आगे डाल्टन ने किसी भी निकाय में यदि विलयन गैसीय अवस्था में बना हो तो उस निकाय के लिए एक नियम दिया है दोनों गैसों के द्वारा आरोपित दाब यानी कि पी टोटल यहां लिख रहे हैं पी टोटल इक्वल टू होता है पी वन प्लस पी टू पी वन प्लस पी टू। यहां पी वन का मान आपको मिल जाएगा पी वन का मान पी नॉट वन एक्स वन तो लिख दीजिए पी टोटल इक्वल टू पी नॉट वन एक्स वन प्लस है प्लस पी टू का मान पी नॉट टू एक्स टू पी नॉट टू एक्स टू। अब देखिए एक ग्राफ से अगर हम समझे यहां एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके मोलंस व दाब के बीच में संबंध को दर्शाते हुए तो डायग्राम के आपका ऐसे माना ये जीरो स्टेट है यहां भी जीरो स्टेट है यहां पे काई वन की जो घुलनशीलता है वो जीरो है क्योंकि दाब जीरो है। काई वन की घुलनशीलता जीरो है क्योंकि प्रेशर यहां पर प्रेशर जीरो है और यहां एक्स जीरो एक्स वन जीरो है ठीक। अब यहां पे क्या किए हम काई वन का जो घटक एक है इस पे लगने वाले दाब पी नॉट वन या यहां पे घटक वन का जो दाब है पी वन को बढ़ा दिए। तो जैसे जैसे वाष्प दाब दाब बढ़ाएंगे काई वन यानी पहले घटक पे लगने वाले दाब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पहले घटक की विलेयता बढ़ती जाएगी एक्स का मूल अंश हो जाएगा ए काई का मूल अंश हो जाएगा ए। यानी कि अब हम इस दबाव को पुनः शून्य पिला दिए काई वन हो गया जीरो। अब काई टू को अगर हम बढ़ा दें घटक दो की विलेयता को बढ़ा दें यहां पे जब ये पी नॉट टू या सेकेंड घटक का पी टू जब दाब शून्य होगा तो काई टू भी कितना होगा काई टू शून्य होगा। जब दाब शून्य होगा यहाँ पे तो काई टू का मान भी क्या होगा शून्य होगा। लेकिन जैसे जैसे पी नॉट टू या पी टू का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे काई टू का मान भी बढ़ते हुए एक हो जाएगा। अब एक घटक ले रहे हैं यहाँ पे घटक एक का दाब बढ़ाए
दूसरे घटक का दाब शून्य रखे तो क्या हो रहा है, काई वन का मान एक हो गया। आप जान रहे हो मोल प्रभाज का मान केवल एक ही होता है। अब चूंकि केवल पहले घटक का दाब बढ़ाए हैं तो केवल पहले घटक का घुलनशीलता बढ़ी है, दूसरे घटक का घुलनशीलता कितना है, शून्य है। तो हम इस काई वन के मान को लिख सकते हैं काई टू। देखिए कैसे आया, काई वन का मान कितना है, एक है। तो इस एक को हम कैसे लिख दी, वन माइनस जीरो, जीरो यानी कि क्या, एक्स टू, एक्स टू का मान जीरो है, एक में से जीरो घटाएंगे एक मिलेगा, काई वन इक्वल टू वन। ठीक, तो अब इस मान को यहाँ पे हम पुट कर दें, काई वन का मान पुट कर दें, काई वन का मान कितना मिला हमें यहाँ पे, काई वन इक्वल टू वन माइनस काई टू, तो पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट वन, पी नॉट वन काई का, काई वन का मान कितना, वन माइनस काई टू प्लस पी नॉट टू काई टू, पी नॉट टू काई टू इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट वन माइनस पी नॉट वन काई टू प्लस ड्राइव कर देंगे इसको पी नॉट टू काई टू, मल्टीप्लाई किए वन में तो पी नॉट वन हो गया माइनस, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए पी नॉट वन का काई टू से रिप्रेजेंट कितना हो गया पी नॉट वन काई टू प्लस इसको ऐसे उतार दिए। यहाँ देखिए इन दोनों कॉलम में इसमें काई टू कॉमन है, काई टू कॉमन है, काई टू को बाहर कर देंगे हो जाएगा पी टू माइनस पी वन, क्या होगा आगे हम लिखे हैं पी टोटल इक्वल टू तो पी नॉट वन, पी नॉट वन हो गया प्लस प्लस पी टू में से पी वन को घटा दीजिए तो पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन टोटल का कॉमन काई टू, कॉमन क्या है काई टू, तो काई टू को क्या किए बाहर निकाल दिए। ये है कुल दाब, आंशिक दाब व दूसरे घटक के मूल अंश के बीच में संबंध, पी टोटल इक्वल टू हो गया पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन इंटू काई टू, ये राउट का नियम है। अब हम इसका कंपेयर किए, कंपेयर करें राउट के नियम का हेनरी के नियम के साथ कंपेयर करें, इसे हम इरेज कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसे, तो हमें क्या मिलता है, यहां देखिए राउट के नियम के अनुसार शुद्ध जो वाष्प दाब है किसी बिलियन पे किसी भी घटक पे जो हम दाब डाल रहे हैं वो सीधे उसके प्रोपोर्शनलिटी होता है। यहाँ पे शुद्ध घटक का वाष्प दाब क्या रहा है पी नॉट, और ये वहां पे क्या रहा था केएच। यहाँ देखिए हेनरी का लिख रहे हैं, हेनरी का लिख रहे हैं पी इक्वल टू केएच काई जो भी घटक हो, यहाँ पे क्या होगा पी इक्वल टू पी नॉट वन काई अगर घटक हो, यहाँ पे बस कांस्टेंट चेंज हो रहा है, यहाँ हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ शुद्ध घटक का वाष्प दाब है और कोई परिवर्तन नहीं है। बस इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो राउल्ट का नियम है ये हेनरी की ही एक विशेष स्थिति है। यहाँ पे हम हेनरी पढ़ लिए, आगे अभ्यास प्रश्नावली में आपका इस फार्मूले से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लगाएंगे कैलकुलेट करेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट नियम, हेनरी और अणुसंख्यक गुणधर्म, इतने में से मिला के आपके 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर जरूर आना है और 5 नंबर का ज्यादातर कैलकुलेशन के रूप में आता है आपका अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रश्न से, कोएलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। इसको हम नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो